1929 के दशक में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आ गई। लोग उसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन या डिप्रेशन भी कहते हैं। पूरे दुनिया की हालत ख़राब, अमेरिका में भी लोग बेरोज़गार, बहुत बड़ा रिसेशन आया था और ये करीबन ये 10 वर्ष तक चला था। और उस समय 30 के दशक में फैशन की वृद्धि, टेलीविजन, बहुत सारी चीज़ों की वृद्धि हो गई थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और गरीबी थी। ऐसे सिचुएशन के टाइम अब हिटलर का भी बहुत सारा विद्रोह और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बड़ा ही अजीब सिचुएशन था। ऐसे टाइम पे परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता होने वाली रहती है। उस समय की सिचुएशंस क्या थी मैं आपको ले जाता हूँ। तो परमात्मा की प्रवेशता कभी होती है, कौन से ईयर में होती है? 1936। अब मैं आपको उसके पहले की कुछ घटना ब्रह्मा बाबा के जीवन के संबंधित में शेयर करना चाहूँगा। ये मैं जो सारे डेट्स मेंशन कर रहा हूँ ऐसे ही मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसके कुछ रेफरेंसेज आपको दिखाए जा सकते हैं। आपको शायद सुन के थोड़ा अजीब भी लगे कि मैं क्या डेट्स मेंशन कर रहा हूँ। 1932 से लेकर 34 के आसपास ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने घर में ही सत्संग गीता रीड करना चालू किया। बाबा के जो एक अंकल थे, चाचा थे, उनके यहाँ पर जो है उन्होंने गीता का अध्ययन चालू किया। मैं बात कर रहा हूँ 1932 और 34 की, 1932 से लेकर 34। 1934 में ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक घटना घटी और वो घटना क्या थी। ब्रह्मा बाबा के जो काका मूलचंद थे, काका मूलचंद जो हाथी दांत के व्यापारी हुआ करते थे, बहुत बड़े फिलोंथ्रोपिस्ट थे, उनका देहांत हो गया। अब तभी बाबा जो हैं उनसे अटैच थे, इसलिए उनके जीवन में वैराग्य की घड़ियाँ चालू हो गई। और अक्सर करके आप देखेंगे कि जब कोई भी आत्मा, धर्म पिता की आत्मा भी किसी शरीर में प्रवेश करने वाली रहती है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है उसके बैकग्राउंड में पहले से उसका भूमिका बननी चालू हो जाती है, उसके जीवन में वैराग्य आना चालू हो जाता है। गौतम बुद्ध का ले लीजिए, महावीर का ले लीजिए, क्राइस्ट बताते हैं कई वर्ष तक रेगिस्तान में उसने जो है उपवास किया, फास्टिंग किया। गुरु नानक का भी ले लीजिए, हर एक धर्म पिता के जीवन में, जीवन कहानी से ही हम जान सकते हैं कि अभी कभी एंट्री का टाइम है ओरिजिनल आत्मा का। तो 1934 का दशक ब्रह्मा बाबा के जीवन में वैराग्य का दशक था, चल रहा था। काका मूलचंद का जैसे ही देहांत होता है, बाबा अपना बिजनेस वाइंड अप कर लेते हैं। सेवक राम जो उनका कलकत्ता में पार्टनर रहता है, बाबा वहां से बिजनेस वाइंड अप कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाबा को साक्षात्कार वगैरह होने भी चालू हो जाते हैं, वह दशक था। और ये कौन सा घर है, आज मैं आपको, आप में से किसने साकार पालना ली है, किसने लिया है साकार पालना? अच्छा, कौन कौन साक्षात्कार करना चाहता है? मैं आपको आज हैदराबाद सिंध ले जाने वाला हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं आज आपको हैदराबाद सिंध ले जाऊँगा, सच में। अभी आप देखेंगे कैसे लोग कितने खुश हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ। तो बाबा का घर, उसका फोटो है, आपने देखा है ना, ये कलर चित्र में दिखा रहा हूँ इसका। अच्छा, आप थोड़ा और अंदर जाना चाहते हैं, चलिए मैं थोड़ा और अंदर ले जाता हूँ। कुछ साल पहले दादी जान की, अभी आपको मालूम है दादी जी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई नहीं है, वैसे की वैसे ही हैं। तो ये घर के दरवाजे के तरफ का फोटो है जो आप देख रहे हैं चित्र में। फिर बाबा ने क्या चालू किया, बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल चालू किया, ये दशक था, ठीक है। आगे हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, आपने चित्र आपका ये स्कूल देख लीजिए, मैं आप इसलिए मैं आज आपको कराची में ले जाने वाला हूँ, ठीक है। 1936 ब्रह्मा बाबा कश्मीर जाते हैं एक महीने के लिए, लेकिन एक महीने के बदले वहाँ 3 महीना रुकते हैं। इसके बाद 1937 की दिवाली, जिसमें बाबा क्या करते हैं, ट्रस्ट की स्थापना करते हैं और सारी जो है सब कुछ अपना समर्पण करते हैं, इसीलिए हम संस्था की डेट 1937 से काउंट करते हैं, क्लियर है। कहानी आपने सुनी है, सिर्फ आपको रिकैप करा रहा हूं, उस जमाने में ले जा रहा हूं। अब 38 का हमारा बहुत ही क्रिटिकल फेज था, 38 का फोटो है, मामा का फोटो यहां दिखाया गया। 38 के टाइम विरोध चालू हो गया, क्यों? क्योंकि बाबा ने पवित्रता की धारणाओं की बात शुरू की और ओपोजिशन चालू। ये फोटो आप जल्दी कहीं देखेंगे नहीं, ये किसकी फोटो है मालूम है, एंटी ओम मंडली, सभी के सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं, विरोध में, सत्याग्रह जैसा मिशन लगा के खड़े हैं। आपको लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने बस कुछ लोगों का एक मुखी का सामना किया, इट्स नॉट लाइक दैट।
बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, ब्रह्मा बाबा के बस की बात ही नहीं थी, स्वयं परमात्मा शिव की या बाबा शिव बाबा की मदद थी, तब जाके सिचुएशन से हम लोग बाहर आए। तो ये फोटो शायद ही आपको मिलेंगे कहीं पे, अब आप ही मत पूछिए कि आपको कैसे मिले, ठीक है। ये तो आपने देखे होंगे, बच्चे खड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। तो 1938 में जो है हमारे पे जो है केस भी फाइल होता है, बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चलते हैं, और इस यज्ञ का नाम राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ रखा जाता है। और मार्च 39 में, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट कचहरी होती है, मम्मा को भी कोर्ट में जाना पड़ता है ओम मंडली के नाम पे, तो अल्लाह बख्श कौन थे अगर जीवन कहानी में आप पढ़ेंगे, मैं इनका फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, ये भी संस्था को सपोर्ट करते थे और लोगों ने बहुत इनका विरोध किया था, ये संस्था के समर्थन में थे। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें नाम चेंज करना चाहिए, और फिर जो है आगे चलकर हमारा नाम क्या हो गया संस्था का, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आपको लगता है मुखी मंगाराम के बारे में आपने सुना होगा, एंटी ओम मंडली का प्रेसिडेंट, मुखी मतलब सरपंच गांव का, जो आप विजुअलाइज करते हैं वैसे नहीं है, ये काफी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड फॉरेन रिटर्न लोग थे जो भाई बंद कम्युनिटी के थे। और मैं आपके एंटी ओम मंडली के कुछ लोगों के फोटोज दिखा रहा हूं, मैं नाम नहीं दिखा रहा हूं जानबूझ के, ये सब एंटी ओम मंडली के बड़े बड़े जो लोग लीडर्स जो थे उनके फोटोज फोटोग्राफ्स हैं। आप जो माइंड में विजुलाइज करते होंगे, अभी इन महान आत्माओं के फोटो मैंने कहा एक बार दर्शन होने चाहिए, इस बात के लिए कि ब्रह्मा बाबा के लिए कितना बड़ा चैलेंज था उस सिचुएशन को फेस करना। और साथ में आप इनका भी फोटो देख रहे हैं, कौन है मालूम है, ये साधु वासवानी जो बहुत बड़े समाज सेवक थे, बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मीरा मिशन चालू किया था, बहुत बड़े सिंध के समाज सेवक थे, लेकिन एंटी ओम मंडली वाले ने इनको भी अपने साथ मिला लिया। देखिए इनके नाम पे स्टैंप भी जाहिर किया गया है, व्हील चेयर पे थे लेकिन इनको भी जेल जाना पड़ा था, इतना ज्यादा जो है विरोध हुआ था। तो तब के ये फोटोग्राफ्स हैं, तो आप ये फोटो देख रहे हैं 1937 सिंध चीफ कोर्ट मतलब कराची का है ये फोटो, वहाँ का हाई कोर्ट जहाँ पे मुकदमे चला करते थे, वहाँ के हाई कोर्ट का मैंने आपको स्नैप्स दिखाया हुआ है। ये 1937 के आसपास का ही फोटो है, जब जो है कलेक्टर के ऑफिस में जो है जाया जा रहा है, बगल में मम्मा खड़ी हैं। कराची रेलवे स्टेशन, तब के जमाने का, अब मैं आपको कराची के वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा बाबा मुरलियों में अल्लाह आगा खां के बारे में बोलते हैं, आगा खां के बारे में क्या नहीं, अल्लाह बख्श अलग, आगा खां की बात कर रहे हैं। बाबा बताते हैं कि उनके शिष्य क्या करते हैं, उनको किस में तौलते हैं, हाँ 1936 की एक्टिविटी है, वो भी कराची से बिलोंग करते हैं, उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बॉम्बे में उनको जो है देखिए फंक्शन चल रहा है, जिनको एक तराजू के एक बाजू में रखा गया है और सोने के साथ उनको तौला जा रहा है, फिर जब उनकी डायमंड जुबली हुई तो डायमंड में लोगों ने तौला। तो 1936 की घटना है। इस फोटो में आप देख रहे हैं बहनों की क्या दशा थी, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिख रहा है फोटो खिंचवाने का क्या अर्थ निकलता, हमें समझ में नहीं आता। अब ऐसे समय पे नारी शक्ति के लिए क्रांति करना कितना बड़ा विषय हो सकता है। कराची का एल्फिसन स्ट्रीट 1940, थोड़ा और भी नजदीक से, पहले की गाड़ियां आप देख सकते हैं, तो बाबा भी पहले ऐसी गाड़ियां यूज करते थे, और टांगा भी हुआ करता था, बाबा टांगा यूज नहीं करते थे। कराची के फोटोग्राफ्स कुछ आपने ऑलरेडी देखे होंगे, ये बड़ी जिनके नाम से कॉम्प्लेक्स है, कौन सी दीदी, हाँ देखिए नीचे बैठी हैं। कराची के समुद्र का फोटो जहाँ पे मम्मा और बाबा हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं आपको ये सब दिखाने के पहले फोटोज दिखाता हूँ, फिर मैं कराची के पुराना एक वीडियो दिखाऊंगा। और अब देखना, आप हमारे मन में हमेशा इच्छा होती है कि बाबा कराची के बीच पे कैसे तपस्या करते थे, कराची का बीच कैसे दिखता होगा, तो मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ अभी। देखिए पहले ड्रेसेस कैसे हुआ करते थे, निर्मल शांता है,
और दादी शांतामणि भी है, अध्यानी दादी भी है, ये भी कराची के फोटोग्राफ्स हैं। बाबा ने सबको क्या बनाया था, हाँ ये आप देख सकते हैं, हमारे सारे चित्र रिफाइन हुए। बाबा कहते हैं ना सब चित्रों को रिफाइन करो, तो पहले जमाने का गोला सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इसको ऐसे दिखाया गया। अभी आप बोलेंगे कि हमारे पास कैसे आया, तो गोले का चित्र और झाड़ का चित्र ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी भेजा गया था, उन्होंने म्यूजियम में अभी भी सारी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। तो पहले के समय का 40s के दशक का झाड़ का और गोले का चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ऐसे था। ये भी कराची का है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ का फोटो है, क्लिफ्टन, जैसे बॉम्बे में मरीन ड्राइव है तो वहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, क्लिफ्टन, जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत से मंत्रियों के बंगलोज भी हैं। तो ये क्लिफ्टन का तब का फोटो है और ये आपका कलर्ड फोटो है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। और मैं आपको भी क्लिफ्टन पे ले जाने वाला हूँ, दिख रहा कितना अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप पूरा घूम भी सकते हैं। अच्छा तो ये 1938 की मैं बात बता रहा था, 1938 डेट आप याद रखेंगे तब सारे संकट आने चालू हुए। तो मैं छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ, सच में अभी हम चलते हैं कराची। पहले पुराना वीडियो दिखाता हूँ फिर नया दिखाऊंगा। बहुत ही रेयर वीडियो है कराची का, 1940 के आसपास। These lively street scenes were taken in Karachi by a British soldier whose name is no longer known. Sometime between 1942 and the departure of British troops on the independence and partition of India in 1947. They take us back to a time when there were hardly any motor vehicles and the city centre was dominated by pedestrians and horse-drawn traffic. The filmmaker had a sharp eye for street life, such as this little curbside madrasa. A soldier seems to be on official business, and others go about their work. The animals of the street seem to have fascinated him, from horses and donkeys to this straying calf. Look carefully at the next shot. He and his friends seem to be motorized with access to jeeps and trucks. This is the new cotton exchange built in 1942. His interest in animals shows again. This one seems to be its people around too. I wonder if these distinctive hats could help identify the men. One day he seems interested in the parade ground, but then what seems to have been a... They obviously enjoy the leisure. Monument. And finally, just as he runs out of film, the soldier shoots another headland. Surely this is Gibraltar. अभी क्लिफ्टन कैसे दिखेगा? मैं आपको क्लिफ्टन पे ले जा रहा हूँ। क्लिफ्टन नहीं। ये कराची का समुद्र है जहाँ पे लोग पहले योग करते थे, अभी कैसा है
आपको थोड़ा तो अंदाज़ा आ ही गया होगा, आराम से आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं दादी जान की जो है, आपको याद है दादी जी गई थी क्लिप्टन में, क्लिफ्टन कराची से हम वापस आ जाते हैं। तो आपको डेट्स याद रखने हैं। तो क्लिफ्टन के बाद जो है, अब 1939 से लेके 42 में ध्यान का पार्ट हमारे यहाँ पे चालू हुआ, ट्रांस का पार्ट। 1939-1942 यहाँ पे दिखाया गया है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं क्लिफ्टन बीच के ऊपर 1945 यहाँ पे जो है जो है एक बहन जो है ट्रांस में है, और मम्मा उन्हें क्या कर रही है, दृष्टि दे रही है, कृष्ण के साथ डांस कर रही हैं ट्रांस में, और मम्मा दृष्टि दे रही हैं। तब का फोटो है ये फोटोग्राफ। ट्रांस का पार्ट चला। फिर 1943 में के आसपास बाबा ने, बाबा गुलजार दादी को पहले अव्यक्त बाप दादा का साक्षात, मतलब ट्रांस में साक्षात्कार हुआ, और सूक्ष्म लोक का रहस्य बाबा ने 1943 के आसपास खोला। सूक्ष्म लोक है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद अपना यज्ञ शिफ्ट होता है, और 1947 के बाद यज्ञ कहाँ आ जाता है, माउंट आबू। और सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, ब्रिज कोठी। तो यहाँ ब्रिज कोठी का फोटो है, जो कि अभी एक होटल में तब्दील हो चुका है, सनराइज होटल करके है, 1950। तो याद रखिए कि ब्रिज कोठी में या माउंट आबू आने के बाद हमने दो बार स्थान चेंज किए, 1950 से लेकर 1955, 5 वर्ष ब्रिज कोठी में, और तभी बेगरी पार्ट चालू हुआ। ये ब्रिज कोठी के अंदर का फोटो है, तभी बेगरी पार्ट चालू होता है। फिर ब्रिज कोठी के बाद तभी उसी दशक में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, और दादी प्रकाशमणि जापान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाती हैं। तीन लोग रहते हैं, दादी प्रकाशमणि जी, दादी रतन मोहिनी और दादा आनंद किशोर, ये तीनों जाते हैं जापान में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तब के फोटोग्राफ्स हैं, आपने देखे होंगे, 1954 के फोटोग्राफ हैं। वापस वेलकम टू इंडिया, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद, सब कुछ होने के बाद उनका स्वागत किया गया दिल्ली में, ये तब के फोटोग्राफ्स हैं। फिर इसके बाद 1955 से 58 तीन साल हम कोटा हाउस में रहे। कोटा हाउस का आपको जिक्र याद होगा कि गवर्नमेंट ने उसको सर्किट हाउस के रूप में लेना चालू किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखा गया राष्ट्रपति, और उन्होंने खूब प्रयास किया। लेकिन बताते ना बाबा जिक्र कि कौरों ने क्या किया, सूली की वाले इंसिडेंट को लिंक करते हैं, मतलब तब की बात कहे तो ये कोटा हाउस की बात है। बाद में 1958 में पोखरण हाउस लिया गया, 25,000 पड़ गया कोर्ट कचहरी को लेकर, अदरवाइज 22,000 से 23,000 में पोखरण हाउस, जिसे हम पांडव भवन कहते हैं, वो लिया गया। और ये पांडव भवन का पुराना गेट आप देख रहे हैं, पहले पांडव भवन का पुराना गेट ऐसे था, ऐसे नहीं था जैसे आप सोच रहे हैं, सो दिस वाज पहले ऐसा गेट था। फिर इसके बाद सेवाओं का विस्तार हुआ। अब यहाँ से भाई बहनों को आप जानते ही हैं, निर्वेर भाई, रमेश भाई, जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई, ठीक है। तो ये था यज्ञ का ब्रीफ इतिहास जो आप जानते थे। डेट्स आपको याद रही है, 38 में सारी चीज़ें चालू हुई,
40s से 50 दशक में हम लोग ट्रांस का जो ज़्यादा पार्ट चला, अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र या हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कैसे लिंक्ड हैं। तो शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र दिखाते हैं, ठीक है, और ब्रह्मास्त्र के बारे में कहानी है जो बाबा मुरलियों में, ब्रह्मास्त्र के बारे में और मिसाइल्स के बारे में जो बाबा मुरलियों में बताते हैं, किसका, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया। तो बताते हैं कि यादवों में कृष्ण का लड़का जिसका नाम रहता है सैम, ऐसे तो आजकल मॉडर्न नेम सैम रखते हैं लोग, कृष्ण का लड़का सैम रहता है और उसके साथ यादव लोग जाते हैं, बहुत उनको अभिमान होता है और ऋषियों के पास जाके बताते हैं कि ये फीमेल जो है ये गर्भवती है, ये किसको जन्म देगी, ऐसे झूठ मूठ का ढोंग रच कर बताते हैं। तो ऋषि क्या करते हैं, उसको श्राप दे देते हैं कि ये एक मूसल को जन्म देगी। तो ये रहा यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे ही उनको श्राप मिलता है तो राजा उग्रसेन के पास जाते हैं और राजा उग्रसेन क्या करते हैं कि उसका जो है पाउडर बनाकर, ऑलमोस्ट पूरा पाउडर बनाकर उस लोहन आयन बार का मुसल का समुद्र में डाल दे, फेंक देते हैं। तो बताते हैं कि यादों का नाश कहाँ पे हुआ था, द्वारका में, और आगे जाके क्या बताते हैं, उससे बहुत सारे पौधे ग्रो होते हैं ऐसे, और यादव आपस में शराब पीते हैं और एक फाइट करते हैं और अपने पूरे कुल का विनाश कर देते हैं। ये छोटी सी कहानी आती है जो बाबा मुरली में बताते हैं, पेट से मूसल निकला बाबा कहते हैं। तो मूसल मतलब क्या हो, अब यादवों के लक्षण क्या क्या बताए जाते हैं वो दिखाया गया। यादवों के बारे में बताया गया कि यादव मदिरापान बहुत करते थे। तो तीन सेनाएं महाभारत में दिखाते हैं, कौरव, पांडव और यादव। यादव मदिरापान बहुत करते थे, मतलब बाबा ने किसके बारे में कहा गया है, ये विदेश के जो लोग हैं। दूसरा बताते हैं उनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मतलब क्रिश्चियंस भी जो हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, विदेशी जो लोग थे अपने धर्म गुरुओं को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, कहानी में दिखाया गया है। उनकी स्त्रियाँ जो है उस प्रकार से जो है सभ्य नहीं थी, ये भी दिखाया गया है। और बताते हैं कि यादव कहाँ से थे, द्वारका में उनका विनाश हुआ। वास्तव में द्वापर युग के बाद द्वारका अर्थात गुजरात से जो लोग माइग्रेट होकर विदेश में गए, उन्हीं से जो है विदेशी संस्कृति का शुरुआत हुआ। तो यादवों की उत्पत्ति और विनाश का कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, सूरत या मतलब गुजरात से जो है बताते हैं, इसके लिए वहाँ पे दिखाया गया है वो। अब हम बात करते हैं, तो ये थी ब्रीफ कहानी। अब ये एटम बॉम्ब के बारे में बताया गया कि आत्मा और एटम का बहुत गहरा कनेक्शन है। बताते हैं कि एक्सरे का शोध हुआ, रंजन ने उसका शोध किया था, वो भी कोइंसिडेंस अचानक में ड्रामा प्लान अनुसार एक हफ्ते के बाद उसने अपनी वाइफ का एक्सरे निकाला, तब मालूम पड़ा कि ऐसे कुछ अदृश्य किरणें होती हैं, है ना। तो मैडम क्यूरी के बारे में बताते हैं। तो धीरे धीरे ये ड्रामा अनुसार ही विज्ञान का पार्ट खुला और सारे वैज्ञानिक जिन्होंने क्लासिकल एटमिक थ्योरी के बारे में अपने कंसेप्ट दिए। फिर एक रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम की बात चल रही है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो हम बॉम्ब की बात कर रहे थे, तो यूजुअली बॉम्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिशन बॉम्ब और दूसरा होता है फ्यूजन बॉम्ब। इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक को कहते हैं एटम बॉम्ब और दूसरे को कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। दोनों में से सबसे डेंजरस कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब कई गुना हज़ार गुना पावरफुल है कंपेयर टू एटम बॉम्ब। ये इसका प्रोसेस कैसे होता है, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू एम इन टू सी स्क्वायर। हम स्कूल डे से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी तत्व को अगर हम नष्ट करते हैं, नष्ट तो नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी या ऊर्जा निकलती है, उसका ये फॉर्मूला दिया। तो यहाँ दो प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, फ्यूजन और फिशन, कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को अगर बॉम्बार्ड किया जाए तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, बेरियम में कन्वर्ट होगा और उससे ऊर्जा निकलेगी, इसको क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं। और फ्यूजन में उल्टा होगा, हाइड्रोजन के एटम को अगर एक साथ मिला देंगे तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी ऊर्जा निकलेगी, मतलब उसको डिवाइड करेंगे फिर भी ऊर्जा, और मिक्स करेंगे फिर भी ऊर्जा, इसको फ्यूजन और फिजन कहा जाता है। तो अभी हम बता रहे हैं एक और रिएक्शन की जिसको हम कहते हैं चैन रिएक्शन, कि अगर यूरेनियम के अणु केंद्र को, उसके न्यूक्लियस को अगर हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं तो उसके दो टुकड़े होंगे और उसमें से भी न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो न्यूट्रॉन और अन्य अणुओं को जो बताते हैं उनके केंद्र को दो टुकड़े में करेंगे। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चालू हो जाएगी जिसको कहा जाता है चैन रिएक्शन। तो एटम बॉम्ब कहीं ना कहीं इस चैन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, बड़ी विचित्र घटना, कि एटम बॉम्ब की शुरुआत भी 1930 के दशक में हुई। बाबा कहते हैं स्थापना और विनाश का आपस में क्या है, कनेक्शन। तो ये बात चल रही है
1932-33 में वैज्ञानिकों को इंस्पिरेशन प्रेरणा आनी चालू हो गई थी, जैसे बाबा को ब्रह्मा बाबा को यहाँ वैराग्य आ रहा था, वहाँ पे भी वो सारे डेट्स मैच होते हैं, वो हम शेयर इतना भी नहीं करेंगे स्लाइड में। तो एटम बॉम्ब की शोध कहाँ पे हुई थी, जर्मनी में, और जर्मनी के ये दो वैज्ञानिक फ्रिस ट्रासमैन एंड ओटो हैन, ये दो वैज्ञानिक थे जो टेबल पे बैठे थे, इस टेबल पे बैठे बैठे उन्होंने यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया, और बॉम्बार्ड करने के बाद देखा कि इसमें एक नए प्रकार का एलिमेंट आ गया है, नए प्रकार का तत्व जिसको लोग बेरियम कहते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ये हमने प्रयोग तो किया पर ऐसा हो क्यों क्या, हमने यूरेनियम को बॉम्बार्ड किया और उसमें दो तत्व नए नए मिल रहे हैं, ये दो तत्व क्या हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो लीजली मिटनर और इसका एक भतीजा, बहनों का भी इसमें एटम बम बनाने में योगदान है, तो इन्होंने उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया, उसका निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में आप लोगों ने क्या किया है, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करके यूरेनियम के दो टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए जो दो नए अलग अलग तत्व मिले हैं, और इससे ऊर्जा भी क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये खबर उन्होंने क्या किया, उसने साइंस जर्नल में पब्लिश करा दिया, तो दुनिया भर के सब वैज्ञानिकों को मालूम पड़ गया कि यूरेनियम के अगर केंद्र के हम दो टुकड़े करेंगे तो उससे क्या निकलेगी, ऊर्जा, और ऊर्जा इतनी होगी कि हम इसका अनुमान भी नहीं कर सकते। तो ये इसकी खोज हुई एटम बॉम्ब की जर्मनी में। अब जैसे ही एटम बॉम्ब की खोज जर्मनी में हुई, और देखिए सारे वैज्ञानिक भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे स्थापना में सब भाई बहन हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सारे वैज्ञानिक भी एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। तो जर्मनी में एक विचित्र घटना घटी, और वो घटना घटी, हिटलर 1933 में वाइस चांसलर बन गया, और उसने क्या किया, सारे वैज्ञानिकों को और यहूदियों को जर्मनी से निकालना चालू किया, और वैज्ञानिकों ने क्या किया, भागकर जर्मनी से यूरोप, यूके या तो अमेरिका में आके क्या ली, शरण ली। ये तब की बात बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि तब की उन्होंने भाग कर शरण ली, तो जर्मनी से भाग कर वैज्ञानिकों ने शरण कहाँ पे ली, अमेरिका में। उसी प्रकार हमारे यज्ञ में हैदराबाद सिंध से मूव होकर हम कहाँ पे चले गए, कराची। देखिए कैसे बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट जिसका नाम लियो जिलार्ड था, उसको पूरा मालूम पड़ गया कि हिटलर अभी क्या कर रहा है, वर्ल्ड वॉर कर रहा है, हमें डर इस बात का है कि जर्मनी के वैज्ञानिक बहुत ही पावरफुल थे, और अमेरिका में आए हुए वैज्ञानिक पूरा उनको डर था कि कहीं हिटलर एटम बम ना बना ले, अगर उसने एटम बम बना लिया तो पूरी धरती का क्या होगा, विनाश। तो लियो जिलार्ड ने क्या किया, उस समय आइंस्टाइन बहुत फेमस था, तो लियो जिलार्ड ने आइंस्टाइन की प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या लिखेंगे, लेटर। तो लियो जिलार्ड ने आइंस्टाइन का की सहमति से अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर लिखा, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, रूजवेल्ट, उनको लेटर लिखा गया कि हम चाहें तो एक बहुत ही डेंजरस बॉम्ब बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ अंदेशे लिखे गए, ये रहा वो लेटर जो लिखा गया था। अब जैसे ही रूजवेल्ट को मालूम पड़ा कि ऐसे बॉम्ब बनाया जा सकता है, उसने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया, और प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बना जनरल ग्रूव। आपने देखा होगा कि ये अटैक में पेंटागन, जो यूएस की सिक्योरिटी का माना जाता है, उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लीजली ग्रूव के हाथ में पूरा ये प्रोजेक्ट दिया गया, और लीजली ग्रूव ने चूज़ किया जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को, जिसे एटम बॉम्ब का जनक माना जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स माना जाता है। तो दो लोगों ने मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, रॉबर्ट ओपनहाइमर, इसका जिक्र जगदीश भाई ने भी किया है अपने क्लास में, ओपनहाइमर का जिक्र जगदीश भाई ने भी क्लास में किया हुआ, और ओपनहाइमर ने गीता भी पढ़ी हुई थी, उसने भगवत गीता भी, हम लोग शायद नहीं पढ़ते होंगे लेकिन विदेश के लोग हमारी संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये दोनों के सहयोग से ये पूरा प्रोजेक्ट, इतना डिफिकल्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित हुआ। उसी प्रकार हमारे यज्ञ में भी ब्रह्मा बाबा, और एग्जीक्यूट करने में कौन थे, विश्व किशोर भाव, ये दोनों का स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जैसे उन दोनों का रोल रहा विनाश में, यहाँ पे रोल रहा स्थापना में। इनके हम जीवनी के बारे में पूरा विस्तार नहीं देखेंगे। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहाँ पे ओम मंडली और वहाँ पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट,
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में ये रखा गया, और आपको आश्चर्य होगा कि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया न्यूयॉर्क में, जो बिल्डिंग थी उसका फ्लोर का जो नंबर था 18th floor 18। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये न्यू मैक्सिको में प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया गया, और अमेरिका में बहुत सारी ऐसे लैब्स बनाए गए, जो सारे जो दिख रहे हैं वो सारे अमेरिका के लैब्स हैं, सारे प्रयोगशाला है जहाँ पे बॉम्ब बनेगा, जिसमें एक लाख से भी ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया गया बॉम्ब बनाने में। आज तक का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मानव इतिहास का प्रोजेक्ट बॉम्ब बनाने में, इतने सारे लोगों को लगाया गया। और टारगेट था कि युद्ध के पहले, हिटलर के पहले हम क्या करें, बॉम्ब बना ले। अच्छा, जब बॉम्ब बनाया गया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे स्कूल था, जिस जगह को चूज़ किया गया लॉस अलामोस न्यू मैक्सिको, वहाँ पे क्यों, उस एकांत न्यू मैक्सिको में ये जगह है, ये अमेरिका के न्यू मैक्सिको में ये जगह आती है, और पूरा एक जंगल है, और जंगल के बीच में एक अलग पूरा शहर बसाया गया जहाँ पे पूरे वैज्ञानिक के परिवार आके रहते थे। जैसे ओम मंडली में लोग कराची से जाकर, हैदराबाद सिंध से जाके कराची बसे, वैसे पूरा उनका परिवार बॉम्ब बनाने के लिए उस जगह पूरा का पूरा परिवार वैज्ञानिकों का इकट्ठा हो गया। उसमें मेजॉरिटी जो लोग थे बॉम्ब बनाने में बैचलर थे, युवा थे। हमारे यहाँ पे भी स्थापना में दादियाँ कौन थी, युवा ही थे। उनको वहाँ पे साइलेंस चाहिए था और दुनिया से एकांत चाहिए था, तो नई दुनिया की स्थापना के लिए भी कराची में भी क्या था, साइलेंस और एकांत था। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की, उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाती थी, संडे के दिन पूरे दिन काम करो, 10-10, 12-12 घंटे काम करो, तो वहाँ पे मेहनत कर रहे थे। और 40s के दशक में यहाँ पे सब दादियाँ, सबके सभी लोग तपस्या कर रहे थे, तो जैसे जैसे हम तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ, दोनों का आपस में देखिए क्या गहरा संबंध है। जैसे यहाँ पे ट्रांस का पार्ट खुल रहा था, दादियाँ 8-8 घंटे बैठा करती थी, वैज्ञानिक भी कई घंटे मेहनत करने में लगे थे, सारी चीज़ें बिल्कुल मैच हो रही हैं। मैनहट्टन का मतलब अगर उसका रियल मीनिंग निकालते हैं रिसर्च के द्वारा, उसका मतलब क्या होता है, धनुष, वो धनुष जिससे क्या 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 बनता है, ब्रह्मास्त्र, एटम बॉम्ब। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, मैनहट्टन शब्द का अगर पूरा हम अर्थ रिसर्च के हिसाब से निकालते हैं। तो देखिए ड्रामा की सारी चीज़ें कितनी लिंक्ड हैं। फिर एक और चीज़ बताना था कि जब वो नगर बसाना रहता है मैनहट्टन, तो वहाँ पे पहले क्या था, स्कूल था, बच्चों का स्कूल था, तो बच्चों के स्कूल को पहले खाली करना पड़ता है, उस बच्चों के स्कूल को चूज़ किया जाता है और वहाँ पे उस नगरी को बसाया जाता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी बाबा ने क्या बताया, बाबा ने क्या किया था, बोर्डिंग स्कूल खोले थे। तो सारी चीज़ों का कितना कनेक्शन है, मैं वही जब मैं अध्ययन कर रहा था तो ये ध्यान में सारी चीज़ें आई। आगे हम बढ़ते हैं, अब मैं आपको छोटा सा ये जो है थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा मैं क्लियर करूँगा, शायद ये हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, देखते हाँ, यस। 1942 में मैंने बताया चैन रिएक्शन, एक बार जब चैन रिएक्शन चालू होता है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो एनरिको फर्मी उसने फुटबॉल स्टेडियम में ये चैन रिएक्शन को कंट्रोल करके दिखाया था, कि जो एक बार जब अणु निकलता है, टुकड़े करता है अणु, ये जो बॉम्बार्डमेंट होती है न्यूट्रॉन की, और टुकड़े करते जाता है, चैन रिएक्शन को उसने कंट्रोल करके दिखाया था, तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ चैन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, इससे ऊर्जा निकलेगी, तो इसे विनाश करना है कि किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, अपने ऊपर है। ये 42 का दशक था, ये सारे वैज्ञानिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सारे वैज्ञानिकों का, इतने नहीं बहुत सारे थे, ये तो कुछ मुख्य वैज्ञानिकों का फोटो है, और यहाँ पे स्थापना के वैज्ञानिकों का फोटो है। ये रहा मैक्सिको का जगह, और जो पहला जो प्रोजेक्ट बॉम्ब बनाया गया उसका, जो प्रोजेक्ट का मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहला जो टेस्ट किया गया उसका नाम था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब होता है त्रिमूर्ति। कितना कोइंसिडेंस है, आश्चर्य की बात है ये। उनसे पूछा गया क्यों नाम रखा है ट्रिनिटी, तो उनके पास इतना क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो जैसे क्योंकि सबसे पहला जो बॉम्ब टेस्ट किया गया वो टेस्ट किया गया जापान हिरोशिमा पे नहीं, 16 जुलाई 1945, और ये 20,000 टन का वाला जो बताते हैं कि ये बॉम्ब था, और इस बॉम्ब से बताते हैं सारे एटम बॉम्ब की सबसे पहले जो टेस्टिंग हुई जापान में ड्रॉप करने के पहले इसकी टेस्ट की गई बॉम्ब की, और इस बॉम्ब ने शुरुआत की महाविनाश के कार्य की। त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी कह सकते हैं, इसलिए लिखा है ट्रिनिटी वर्सेस त्रिमूर्ति।
इस बॉम्ब को ले जाया जा रहा है, ये तो उसका कंट्रोलर है, ये रहा वो बॉम्ब, पहला मानव इतिहास का निर्मित बॉम्ब, 3 साल की मेहनत के बाद बनाया गया, बहुत परिश्रम के बाद। और वैज्ञानिकों को अब तक मालूम नहीं है कि ये बॉम्ब चलेगा कि, इसलिए उसको टेस्ट किया जा रहा है और इसको ले जाके एक स्टील के टावर पे बांधा जा रहा है। तो इसको स्टील के टावर पे बांधा गया, स्टील के टावर की हाइट थी 100 फुट 30 मीटर्स, और उसको ऊपर लटकाया गया। अब इसको सिर्फ डेटोनेट करना है, वैज्ञानिक कई किलोमीटर दूर उस बॉम्ब से बहुत दूर हैं, और इसको डेटोनेट किया जाएगा। और टाइम कितना बजे रखा गया मालूम है? अमृत वेले 4 बजे। बट जैसे टाइम 4 बजे रखा गया तो प्रकृति ने सपोर्ट नहीं किया विनाश को, बारिश और बिजलियां चमकने लगी। देखिए प्रकृति का क्या अब गहरा कनेक्शन है, बारिश बिजली चमकने लगी तो ऑर्डर किया गया कि नहीं बॉम्ब को अभी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉम्ब फटा तो हो सकता है इसका फैलाव ज़्यादा होगा। तो ठीक 4:45 को रिपोर्ट आया कि नहीं अमृत वेला जैसे ख़त्म हुआ, ये मैं टाइम अपने हिसाब से नहीं डाला, डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। 4:45 को वेदर रिपोर्ट आ गया कि अब आप टेस्ट कर सकते हैं, अमृत वेला भेज चुका। अच्छा फिर आगे क्या होता है, 5:30 बजे के आसपास इस बॉम्ब को डेटोनेट किया गया और इसका टेस्ट किया गया और ये बॉम्ब फूटना चालू होता है। और जैसे ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस बॉम्ब को देखा तो उसको गीता के श्लोक याद आ गए, कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं महाकाल हूँ और इस दुनिया के विनाश के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी बुक में इस बात का जिक्र भी किया है, जगदीश भाई ने भी अपने सेशन में इस बात का जिक्र किया है, और पूरी दुनिया में न्यूज़ फैला क्योंकि गीता भी पढ़ता था। उसने खुद अपने अनुभव शेयर किए कि फॉर्मूले इतने डिफिकल्ट, इतने इम्पॉसिबल होते थे कि हम कर नहीं पाते थे, हम कहाँ बैठे हैं और अचानक में हमें टच हो गया कि ऐसे करके देखते हैं तो ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। हर बार जैसे उनको लगा कि कोई हमें टच करा रहा है, बाबा जो कहते हैं ना प्रेरणा की जो बात बताते हैं, उन्होंने पूरे इसके ऊपर बुक लिखी है। तो मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाता हूँ, ये बॉम्ब फटना चालू हुआ 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग 5:30, और धीरे धीरे इसकी लहरें आगे बढ़ी, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये देख के खुद डर गया कि ये मैंने हमने क्या बना दिया, और समझ गया कि ये अल्टीमेट वेपन है, इससे दुनिया का विनाश होगा। तो मैं आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर का वो वीडियो दिखाता हूँ उस, और बॉम्ब की टेस्ट कैसे हो रही है, ब्लैक एंड वाइट ही है लेकिन आप देख सकते हैं, दुनिया का पहला मानव निर्मित बॉम्ब। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इंटरव्यू भी दिया, स्टार्ट हो रहा है। 4, 3, 2, 1 लाइट बंद करना है, हाँ ठीक है। पहले रोशनी आती है, बाद में आवाज आती है। In the dead silence of the morning at 5:29:45 mountain war time, the Jornada del Muerto was bathed in an intense flash of a light that man had only seen from the stars. लाइव उसकी रिकॉर्डिंग की गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग तब के जमाने के। He knew the world would not be the same. Robert Oppenheimer. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. अब जैसे उसने देखा, उसने फिर बाद में बताते हैं कि आगे जाके उस पोस्ट से रेजिग्नेशन भी दे दिया। उसको समझ गया कि इससे मानव का क्या होगा, मानव जाति का विकास। 3, 2, 1 तो इस प्रकार से बॉम्ब डेटोनेट किया गया, और आइंस्टाइन को भी बड़ा अफसोस हुआ। आइंस्टाइन इस बॉम्ब में कहीं शामिल था ही नहीं,
उसको लगा कि मैंने क्यों लेटर मेरे नाम से मैंने राष्ट्रपति को भेजा. तो इसमें हम वैज्ञानिकों को हम दोषी नहीं बता सकते हैं. अब आगे की घटना देखिए क्या होता है. ये बात हम बता रहे हैं 1945 की. बॉम्ब टेस्ट हो जाने के बाद जब बॉम्ब फट गया उसके बाद की जगह है, उसका इफेक्ट क्या क्या है रेडिएशंस, वो लिज़ली ग्रूव, मेजर जनरल लिज़ली ग्रूव और रॉबर्ट ओपेनहाइमर उसकी जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं. अब घटना ये हुई कि 1945 में रूज़वेल्ट ने शरीर छोड़ दिया, उनका देहांत हो गया और ये कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन. उनको मालूम ही नहीं था कि ये रूज़वेल्ट ने बॉम्ब बना के रखा है, इतना गुप्त रखा गया था. तो लास्ट में हैरी ट्रूमैन को मालूम पड़ा कि अमेरिका के पास इतना बड़ा बॉम्ब है. तो रूज़वेल्ट शरीर छोड़ते हैं, इसके बाद पूरा कंट्रोल हैरी ट्रूमैन के हाथ में. ये तब की मीटिंग्स के फोटोज़ हैं. और तब जापान रिटेलिएट नहीं करता, जापान अभी भी जो बताते हैं समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है. तो यूएस सोचता है क्यों ना ये हम बॉम्ब किसके ऊपर डालें, जापान के ऊपर. और एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी ये दो शहरों पे डाला जाता है, जिसमें बताते हैं ये मई 1945 में जर्मनी ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है. ऐसे नहीं कि जर्मनी ने समर्पण नहीं किया था, जर्मनी ने 1945 में समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण. लेकिन जापान अभी भी समर्पित नहीं होता है. तो 6 अगस्त को ये बॉम्ब डाला जाता है और दूसरा 9 अगस्त को, जिसमें बताते हैं 80,000 से लेकर 140,000 लोग जो है मारे जाते हैं. पहले बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन. ये रहे लिटिल बॉय और फैट मैन, ये इनके कोड नेम थे, दोनों बॉम्ब जो जापान के ऊपर डाले गए थे. और इनकी क्षमता 15 किलोटन थी और फैट मैन की क्षमता 21 किलोटन की थी. ये दो विमान जिन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किए थे, आपने शायद इसके वीडियोस देखे होंगे ना, दिखाने की जरूरत नहीं कि देखना है आपको, देखना है. चलिए छोटा सा एक वीडियो दिखाते हैं कैसा एक इस पर मूवी बनी थी, बहुत अच्छा वीडियो दिखाया गया था. ऐसे ही बाबा कहते हैं ना कि अंतिम वर्ष है, जापान का सीन ये ऐसे, ये तो मूवीज बताई गई है इसमें कैसे. I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. I was counting. Ichi ni san. I was wiping the desktop. ये लोग अपना अनुभव सुना रहे हैं. प्लेन तुरंत उड़ गया इसके बाद. Took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism.
A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. के द्वारा ये बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री. अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब केवल वीडियो सेशन ही रह गए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बॉम्ब ड्रॉप करने के पहले बॉम्ब जो निकाला गया वहाँ से अमेरिका से, और इसके नुकसान ऑलरेडी आपने देखे लाइव. तब के अखबारों में ये न्यूज़ छपी, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान, एटम बॉम्ब हिट्स जैप्स, ये वहाँ की हालत. ये लाशें जो हैं जो बिल्कुल इनको पहचानना मुश्किल. अब शहर देखिए कैसे दिख रहा है, एटम बम के बाद का ये नज़ारा है. दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन हिस्ट्री, ये प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन का स्टेटमेंट था तभी. खैर अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ कि जैसे ही यूएस ने धमाका किया 1950 के बाद, हमारा यज्ञ शिफ्ट कहाँ पे हो गया, माउंट आबू, और माउंट आबू से सारी जो दादियाँ थी पूरे विश्व में फैल गई. उसी प्रकार बॉम्ब का फार्मूला और सारी टेक्निक अमेरिका से पूरी दुनिया में स्थापना और विनाश का, देखिए आपस में क्या कनेक्शन है. 50 के दशक के बाद ही सारे बॉम्ब के फॉर्मूलेज और सीक्रेट्स जो भी हैं धीरे धीरे फैलने चालू हो गए. और इसके बाद फिर क्या होता है, रशिया, जब अमेरिका ने किया तो रशिया ने पहला अपना फर्स्ट एटम बॉम्ब बनाया, 29 अगस्त 1945 को टेस्ट किया अगेंस्ट US, क्योंकि रशिया और USSR कहते हैं और अमेरिका पहले बहुत फ्रेंड थे, पर बाद में दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहा, संशय से ही व्यक्ति का विनाश होता है. एडवर्ड टेलर, जिन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब का जनक माना जाता है, फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, ये भी उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल थे. और अमेरिका ने अपना फर्स्ट, बताते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया जो कैसल ब्रावो 1942, जो उससे भी कहीं भयंकर और शक्तिशाली है. इसके बाद बताते हैं 54 में US ने लॉन्च किया, 60s में फ्रांस ने, 64 में चाइना में, सब ने अपने अपने वेपन तैयार कर दिए. मैं आपको पहले हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण का एक वीडियो दिखाता हूँ. अभी 2-3 वीडियोज रह गए हैं. वॉल्यूम अच्छा. वीडियोज़ में सिर्फ मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ. ये टेस्ट होने वाला है, ये उसके पहले का डिस्क्रिप्शन दिखाया जा रहा है. सभी लोग तैयार हैं और काउंटिंग चालू हो चुकी है. जैसे ही काउंटिंग चालू करते हैं, काउंटडाउन चालू हो चुका है और हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से भी कई गुना, हज़ार गुना शक्तिशाली, और अमेरिकन मिलिट्री उसको देख रही है.
उसमें तापमान इतना निकलता है जैसे कि सूर्य देवता को आपने धरती पर ला दिया, उससे भी कई गुना ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहता है, वो इस वीडियो में दिखाया गया है। नेक्स्ट, जैसे ये ख़त्म होता है इसके बाद क्या होता है, ये सब सारी रेस चालू रहती है। तो बताते हैं कि ये रहा, ये इसकी क्षमताएं बताई गई हैं स्लाइड में, किसने कब कब क्या किया। अब 50 मेगाटन का, दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा बॉम्ब जो टेस्ट किया गया वो रशिया ने 1961 में टेस्ट किया। उसकी क्षमता विश्व युद्ध में जितने भी बॉम्ब यूज़ किए गए थे हिरोशिमा नागासाकी, उसके सामने कुछ भी नहीं। और दुनिया का सबसे, इसकी क्षमता बताते हैं कि वो 100 मेगाटन करने वाले थे, लेकिन समस्या क्या थी कि जो बॉम्ब डालता तो विमान खुद नष्ट हो जाता, भाग नहीं पाता, इसलिए उन्होंने इसकी क्षमता 100 से कितनी की थी, 50 मेगाटन, जो 3 स्टेजेस में ब्लास्ट होता है। इसके मैं वीडियोज़ दिखाता हूँ जिसे कहते हैं सार बॉम्ब, TSAR। लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो। वो वीडियो में वॉइस आनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा। अब तक का दुनिया में इससे पावरफुल बॉम्ब कोई टेस्ट नहीं किया गया, सबसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा बॉम्ब महाविनाश के पहले का। ब्लास्ट, ये रशिया के द्वारा टेस्ट किया गया था 1961 सार बॉम्ब। और ये एक्चुअल नहीं। और दूसरा जो है, अभी पहले के ज़माने में बॉम्ब कैसे गिराते थे, प्लेन से, अब प्लेन की भी ज़रूरत, अब इतने अच्छे मिसाइल्स रेडी हैं कि मिसाइल के ऊपर ही बॉम्ब बांध दिया जाएगा और बॉम्ब को ड्रॉप किया जा सकता है। और अलग अलग टाइप्स के मिसाइल्स होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि अच्छे अच्छे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कई बार इन शस्त्रों की। देखिए, बॉम्ब की टेस्टिंग या तो लोग पानी जल के अंदर करते हैं, या धरती के अंदर, या तो आसमान में, या तो अंतरिक्ष में भी टेस्टिंग की जा सकती है। ये उनकी कैपेसिटीज़ हैं। अभी अलग अलग कैपेसिटीज़ की मिसाइल्स बनाई गई, देखिए एक मिसाइल नहीं है, इस मिसाइल के अंदर रेड कलर में जो उसके टिप पे दिख रहा है, अलग अलग मिसाइल्स अलग अलग रेंज में, मतलब अमेरिका बैठे भी चाहे तो रशिया पे बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, और यहाँ पे भी चाहे तो रशिया भी जो है, या यूरोपियन ब्लॉक जो है, वो यहाँ बैठे बैठे भी बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है, और उनको निशाना साधने की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने निशाना भी साध के रखा हुआ, उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब प्रेसिडेंट निक्सन इंडिया में आते थे तो उनके हाथ में एक बॉक्स हुआ करता था जिसको लोग ब्लैक बॉक्स कहते थे, और बहुत न्यूज़ छपता था कि अगर निक्सन यहाँ पे हैं, कहीं पे भी दुनिया के कोने में हैं, अगर रशिया ने बॉम्ब रिलीज़ कर दिया तो रशिया से अमेरिका जाने में बॉम्ब को टाइम लगेगा। तब तक आधे घंटे के अंदर प्रेसिडेंट निक्सन मीटिंग करेंगे आधे घंटे के अंदर कि बॉम्ब ड्रॉप करना है कि नहीं, क्योंकि अभी भी आधे घंटे का मार्जिन है। तो बॉम्ब अगर किसी एक कंट्री ने रिलीज़ किया, वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, तो इतनी तक तैयारी थी कि आधे घंटे के अंदर मीटिंग होगी और अमेरिका भी बॉम्ब रिलीज़ कर देगा। इसलिए निक्सन के साथ हमेशा एक बक्सा हुआ करता था, 70-60 के दशक में ये बातें बहुत मशहूर थी। ये अलग अलग टाइप्स की मिसाइल्स का जिक्र किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया में अभी दो ही, इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम टेस्ट हुआ था, आपको मालूम है, 1974, कहाँ पे, पोखरण में, और उस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था, और उनको मैसेज इंदिरा गांधी जी को फ़ोन करके बताया गया कि बुद्धा स्माइल्ड। अगर गौतम बुद्ध होते तो स्माइल नहीं करते, लेकिन क्या करते, रो देते। फिर पोखरण में परीक्षण किया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, पोखरण में परीक्षण किया तो अमेरिका के लिए शौक था, क्योंकि उन्होंने परीक्षण उस टाइम पे किया जब अमेरिकन सैटेलाइट इंडिया में वहाँ पे थी ही नहीं, प्रोब नहीं कर रही थी, अमेरिका को मालूम ही नहीं पड़ा कि इन्होंने क्या कर दिया। तो ये अभी वो मिसाइल्स कैसे कैसे लॉन्च होते हैं, मिसाइल्स जो है सबमरीन से भी लॉन्च हो सकते हैं। छोटा सा एक वीडियो,
फिर हम 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करेंगे. देखिए आज का In the United States Navy, the first nuclear-armed ballistic missile submarine became operational in 1960, armed with a Polaris V-1 fleet ballistic missile. The Navy's fleet ballistic missiles evolved over the next 30 years. The Polaris A-3 achieved a range of 2,500 nautical miles, but was ultimately replaced by the Poseidon C-3 fleet ballistic missile, which was the first naval ballistic missile with multiple warheads. Trident Trident का मतलब होता है त्रिशूल. United States of 4,000 mile fleet ballistic missile. It served as the predecessor to the newest and most powerful naval ballistic missile, the Trident 2. Trident 2 was tested at Cape Canaveral in July 1987. It can launch 10 nuclear weapons to a range greater than 4,000 miles. और ये तब से लेके कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं हिरोशिमा के बाद उसके आंकड़े हैं 1945 से लेके. देखिए कहां-कहां टेस्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. China, France, US, Russia, Britain, UK, these are some of the major countries. थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे. पाकिस्तान ने भी टेस्ट किए इंडिया के अगेंस्ट में. वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में 90% एटम या न्यूक्लियर वेपन रशिया और अमेरिका के पास है. 90% जो है इनके पास है. इसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों की बात चल रही है. बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो आप सुनते होंगे, है ना. सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक एग्रीमेंट. सॉल्ट मतलब क्या होता है नॉर्मली. और बताते हैं यादव ने मुसल का क्या किया था, पाउडर बनाया था ना और समुद्र में उसे फेंक दिया था. तो ये जगदीश भाई ने मेंशन किया है इस बुक में इस बात को, सॉल्ट ट्रीटी. तो नाम भी सब बड़े विचित्र हैं. ट्राइडेंट, ट्राइडेंट मतलब क्या होता है, त्रिशूल, सैटन, मौत, मिसाइल्स, बहुत सारे नाम है जो बड़े विचित्र हैं, जो उन्होंने क्यों रखे उनको खुद को मालूम नहीं है. और ये आप समझ सकते हैं किसका फोटो है. ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो जब भी ऐसे कोई भी मानव जो इस प्रकार का कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो इतिहास कुछ ना कुछ नया मोड़ लेता है. तो इस सब चीज़ों के पीछे ये आंकड़े हैं सारे के सारे, किसके पास कितने वेपन्स हैं, ठीक है. लास्ट में बस विल वाइंड अप. ओम शांति.